आज यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हुआ है 24 जुलाई को, उसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं। आइए चलिए देखते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है यूटीआई क्या है। तो यूटीआई के बारे में बताना है। यूटीआई भारत भारतीय यूनिट ट्रस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। यह भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। इसके बाद पूछा गया है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से की गई थी, जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम कर दिया गया था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में और उसका नाम बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2002 में रखा गया था। जिस समय स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम स्टॉक एक्सचेंज मुंबई था। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है हैलोजन वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो हैलोजन वर्ग में ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन आते हैं। ये सब जो हैं वो हैलोजन वर्ग में आते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो है हवा का ताप वाष्प सॉरी हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। इसके बाद जो पूछा गया वो हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था, किस कारण हुआ था। तो बाढ़ आप लोग जानते ही हैं, बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। इसके बाद पूछा गया है हिंदी से है ये क्वेश्चन, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत के समान होता है। वैसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे में आम हो गया, पल्लव हो गया, पत्र हो गया, दुग्ध हो गया आदि। इसके बाद जो है पूछा गया है वो विद्युत हीटर के एलिमेंट किस धातु के बने होते हैं। तो विद्युत हीटर के एलिमेंट जो है वो नाइक्रोम धातु के बने होते हैं। नाइक्रोम एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि जो हीटर होता है उसका क्वाइल किस धातु के बना हो। तो क्वाइल उसमें जो लगा होता है वो है नाइक्रोम धातु का बना हुआ होता है। और अगर आप लोग फेसबुक पर हैं और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं सेल्फ गाइडेड स्टडी सेंटर के ग्रुप से, तो ये लिंक आप लोग देख लीजिए। इस लिंक पर जाइएगा और डायरेक्ट ज्वाइन कीजिएगा तो आप फेसबुक के ग्रुप से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर कई तरह के स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ होते हैं, आपको मिल जाएंगे वहाँ पर स्टडी मटेरियल से साथ साथ, और कई तरह के जॉब्स की तैयारी के लिए भी वहाँ पर चलता है ग्रुप में। तो आप लोग भी क्वेश्चंस अपना शेयर कर सकते हैं उसमें। तो अगला चलिए देखते हैं। अगला जो पूछा गया है वो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव जिला में स्थित है। उन्नाव जिला में स्थित है। और एक बात ये बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था कॉमर्स के स्टूडेंट से, कमेंट में बताए थे एक कोई छात्र है वो बताई थी कि विजय माल्या नीरव मोदी के बारे में पूछा गया था। तो आप लोग जानते ही हैं विजय माल्या और नीरव मोदी कितने बड़े, मतलब कि कितने बड़े घोटालेबाज हैं आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह के जो भी करंट अफेयर्स वगैरह है इस टाइप के जो भी हैं वो जरूर याद रखे रहिएगा। और इसके बाद पूछा गया है 2001 से, ये देखिए मिस्टेक, यहाँ 2011 हो गया, यहाँ 2001 हो गया। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 11.4% की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला गाजियाबाद है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा हुआ जिला है, जिसका जनसंख्या घनत्व 3971 है। और इसके बाद अगर पूछ दिया जाए कि दूसरे नंबर पर घना बसा जिला कौन सा है तो वो है वाराणसी, उसे याद रखिएगा आप। और इसके बाद है अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राजस्थान राज्य में स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं उन लोगों से जिनका इंटरव्यू हो गया है,
वो लोग कृपया करके अपना कुछ क्वेश्चंस चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है उन सबका हेल्प हो जाए। तो ये ईमेल आईडी है selfguidestudy@gmail.com, इस ईमेल आईडी से आप भेज सकते हैं क्वेश्चंस, या फिर कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस बता सकते हैं, और जिसका मैं वीडियो तैयार करके यहाँ पर अपलोड करूँगा। इसके बाद चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम के बारे में बताना है कि यह कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध को साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्राइम आप लोग जानते ही हैं, ये डाटा चोरी करना, हैक करना, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है सिक्योरिटी यूटिलिटी का उदाहरण होता है। इसके बाद जो पूछा गया है वो कोई संख्या का, ये मैथ्स है, क्वेश्चन मैथ का है, पूछा गया कोई संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है, तो वह संख्या बताना है। तो किसी संख्या को मान लीजिए 4 से भाग देना है और वह संख्या से 21 कम हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगा। तो मैंने सॉल्व किया है इसे, 28 आया है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कुछ गलत वगैरह हो तो, या फिर सही है जो आंसर आपका है वो आंसर बताइए। और इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो दो संख्याओं का योगफल 23 तथा गुणनफल 120 है। तो जो दो संख्या है उसका योगफल 23 है और उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, इसके वर्गों का योग कितना होगा। तो वो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 289 आया है, आप सॉल्व कर लीजिएगा कितना भी आएगा बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद पूछा गया है कि 9/10, 12/25 और 18/35 तथा 21/40 का महत्तम समापवर्तक निकालो। तो महत्तम समापवर्तक से पिछले एक बार और शायद पूछा गया है क्वेश्चन, ये देखिए इसका आंसर ये आएगा 3/1400। आप लोग जानते ही हैं ऊपर वाले का मस निकालते हैं अंश का और हर का लस निकालते हैं इसमें। और एक बात ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है ये कि जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं उसे मैंने अपने वीडियो में दोहराया नहीं है, इसलिए और भी प्रश्नोत्तर के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें। मतलब ये हुआ कि जितने भी क्वेश्चन जो दोहराए जा रहे हैं उन सब क्वेश्चन को देखने के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैच कर जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो यूपी योजना के बारे में, CCC के बारे में, इन सब के बारे में तो आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनका अलग से वीडियो भी मैंने तैयार किया है। इसलिए सारे वीडियो जरूर देखें और जो भी वीडियो मैं बनाया हूँ उन सबका क्वेश्चन का PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं शिक्षा सेंटर ऑफ एजुकेशन, इस लिंक पर जाइए और वो सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं वहाँ से PDF फाइल। या इसके बाद चलिए देखते हैं, इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचते रहे हमेशा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए सब्सक्राइब करने का लिंक है, आप इस लिंक पर जा सकते हैं, ये मेरे लिंक जो है मेरे वीडियो तक आपको तुरंत ले जाएगा और वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और धन्यवाद।